हेलो दोस्तों, ई डेयरी चैनल पर आपका एक फिर से स्वागत है। दोस्तों, ई डेयरी आज आपको इंडिया में पाई जाने वाली विभिन्न बकरियों के बारे में बताएगा और उनके टोटल मीट प्रोडक्शन के बारे में भी बताएगा। दोस्तों, भारत देश दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध प्रोडक्शन करने वाला देश है और साथ में ही भारत बकरी का दूध प्रोड्यूस करने में भी पहले स्थान पर है। चीन के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती हैं। 2019 की लाइव स्टॉक सेंसिस के अनुसार भारत में लगभग 148.88 मिलियन बकरियां हैं और 2018 से 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 187.7 मिलियन टन मिल्क प्रोड्यूस हुआ, जिसमें 3 से 4% योगदान बकरियों के दूध का था। भारत के रूरल एरिया में कई सालों से बकरी पालन करना एक मुख्य व्यवसाय रहा है। लोग इन्हें बड़े बड़े झुंडों में भेड़ और गधे के साथ पालते हैं। पहले गरीब लोगों के लिए बकरी का दूध ही आमदनी का एक मुख्य जरिया था, लेकिन अब समय के साथ साथ बकरी के दूध के साथ बकरी का मांस भी आमदनी का एक मुख्य जरिया बन गया है। दोस्तों, बकरी के मांस को चिवोन कहा जाता है। बकरी के मांस को दुनिया का सबसे फेवरेट और स्वादिष्ट मांस माना जाता है। इसके मांस में हाई आयरन कंटेंट और लो सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है। सूडान देश में सबसे ज़्यादा बकरी का मांस खाया जाता है। इसके अलावा बकरी के दूध को यूनिवर्सल मिल्क भी कहा जाता है। इसका दूध प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है और साथ ही इसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट और एसएनएफ होता है और इसके दूध की आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। भारत में बकरी एवरेज 1.5 से 3 लीटर पर डे मिल्क देती है। इसका दूध गोट चीज बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। बकरी का साइंटिफिक नेम कैप्रा एगेग्रस हिरकस है। एक छोटे कार का जानवर है जो दूध और मांस दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके दो थन होते हैं। इसकी पूंछ छोटी और सींग जनरली पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। मेल गोट यानी बकरे को बक और बिली कहा जाता है, जबकि फीमेल गोट को डो या नैनी कहा जाता है। इमेच्योर बकरी के बच्चे को किड कहा जाता है। बकरी डोसाइल और काम स्वभाव की होती है, लेकिन कुछ मेल गोट्स अग्रेसिव नेचर के भी हो सकते हैं। गुड फार्मिंग के लिए भारत में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अनुसार अभी तक लगभग 34 गोट ब्रीड्स रजिस्टर्ड की गई हैं। अब हम उनकी आइडेंटिफिकेशन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहली बकरी है अटापड़ी। यह एक काले रंग की बकरी है जिसकी आँखें ब्रोंज कलर की होती हैं, जो केरला में पाई जाती है। यह जनरली मीट पर्पज के लिए जानी जाती है। इसकी मिल्क यील्ड बहुत कम होती है, लगभग 200 से 300 मिलीलीटर पर डे। दूसरी है बर्बरी। यह बकरी भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में पाई जाती है। यह सफ़ेद कलर की होती है जिस पर भूरे लाल रंग के धब्बे होते हैं। यह दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। यह बकरी एवरेज 1.5 से 2 किलो पर डे मिल्क देती है। यह गोट फार्मिंग के लिए एक सूटेबल बकरी है। थर्ड गोट है बीटल। यह एक काली, लाल और बड़े सफ़ेद धब्बों वाली बकरी है जो पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर जिले में पाई जाती है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी और भारी बकरी है जो दूध के साथ साथ मांस और स्किन के लिए उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बची हुई बकरियों के बारे में जानेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और ई डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।